ठंडी बहुत है यार, इस कंबल अभी ठंडी लग रही है। क्या करें? हाँ मम्मी को, मम्मी के सही लिया कंबल, अभी वो ठंडी लग रही है, जल्दी करो। हाँ अरे तो और भी ज़्यादा ठंडी है, कहाँ बाप में जाना चाहिए किसी का। वो भी यार क्या करें, इतनी ठंडी आ जाएगी, नहीं मुझे नहीं सोना। तो हे दोस्तों, आप लोग देखें वी फोर वीडियो, तो भाई विंटर का सीजन है, मेरे कुछ विंटर के लिए अमेजिंग सा प्रोडक्ट आपको दिखाना था और मुझे अमेजोन में एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा जिसके बारे में मेरे को आज से पहले वीडियो बनाने से पहले सच में बिल्कुल नहीं पता था कि भाई ऐसा प्रोडक्ट भी आता है। तो भाई यहाँ पे है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, यानी कि भाई एक ऐसा ब्लैंकेट जो कि बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होता है। तो ये ब्लैंकेट अमेजोन में कई अलग अलग साइजेस और अलग अलग प्राइसेस में उपलब्ध है। यहाँ पे मैंने 1000 रुपए वाला लिया है जिसकी चौड़ाई करीब 30 इंच, 30 से 32 इंच और लंबाई करीब 60 इंच के करीब है। और ये इलेक्ट्रिक बेड वार्मर के नाम से भी अमेजोन में सेल होता है। मैं आपको इसकी लिंक तो वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से कनेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर से। इस ब्लैंकेट में करीब 2 मीटर लंबा वायर है और यहाँ पे जो इसका कंट्रोलर है, इसमें 0 का मतलब बंद है, 1 का मतलब थोड़ा हीट, 2 का मतलब थोड़ा और भी ज्यादा हीट और फिर से वापस 0 का ऑप्शन है। तो इसको टेस्ट करने से पहले लगे हाथ कंट्रोलर को ओपन करके देख लेते हैं कि भाई कंट्रोलर के अंदर क्या है। तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके स्विचेस हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, 2 वायर आए हैं और 2 वायर गए हैं। तो कंबल में जो जंक्शन बॉक्स बना है वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के वायर दिख रहे हैं, 2 मेन वायर आए हैं और जो गए हैं अंदर वायर, एक ब्लैक है और एक पतला सा वायर है ये, और मुझे लगता है यही हीटिंग वायर है, यही हीटिंग एलिमेंट है जो कि कंबल को गर्म करने वाला है अंदर जाके। तो मैं इसे पावर देता हूँ और यहाँ पे रेड कलर की एलईडी जल गई है, 1 पे रेड हो गया, 2 पे रेड हो गया, 0 पे कोई लाइट नहीं। तो ऐसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं इसे 2 पे सेट कर देता हूँ। भाई अगर इस 1000 रुपये वाले ब्लैंकेट को मैं ओढ़ के यूज़ करना चाहूँ तो भाई बहुत छोटा पड़ रहा है, पीछे का मैं पूरा का पूरा खुला हूँ, आगे से ही ओढ़ पा रहा हूँ कि ये बहुत छोटा साइज में है। लेकिन हाँ मेरे को फ़र्क महसूस हो रहा है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट मेरे को फील हो रही है, ऐसा नहीं कि एकदम मेरे को गर्म किए जा रहा है, हल्की हल्की सी गर्माहट ये प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी गर्माहट आ रही है वो मैं आपको थर्मामीटर के जरिए दिखाता हूँ, आपको साफ साफ एकदम साफ अंतर मालूम चल जाएगा कि इसमें गर्माहट होती भी है या नहीं। तो ये ब्लैंकेट रूम में काफी देर से पड़ी हुई है और इसके सरफेस का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास का ही होगा क्योंकि खुद से तो गर्म होती नहीं है। तो रूम टेम्परेचर अगर हम लोग चेक करें तो वो आ रहा है करीब 22.6 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जमीन पे चेक करें तो वो भी 22 के करीब ही आ रहा है और ब्लैंकेट के सरफेस का तापमान देख लूँ 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर रजाई का तापमान चेक करें तो ये भी 23.5 कुछ ऐसे ही आ रहा है। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को काफ़ी देर से बिजली में लगा रखा है, उसका तापमान चेक करते हैं तो देखो तो कहीं पे 24 है, कहीं पे 30 है, यानी कि जहाँ जहाँ इसका जो भी एलिमेंट लगाया है हीटिंग एलिमेंट वहाँ पे इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। 32.8 डिग्री सेल्सियस मैंने इस पे मैक्सिमम टेम्परेचर नोटिस किया है किसी पॉइंट पे। और मेरे को तो लगता है कि हम लोग इसे नीचे बिछा के भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे बिछा के अपना नॉर्मल कंबल ओढ़ लिए और या तो नीचे नॉर्मल कंबल बिछा के इसको ऊपर से ओढ़ लिए, जैसा भी यूज़ करना चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हल्की फुल्की गर्माहट तो आप लोगों ने देखा ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन बस एक बात का डर है कि भाई इसमें करंट ना लगे और इसमें आग ना लग जाए कि हम लोग सोते सोते ही वहीं पे हमारी समाधि बन जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करी गई इसके अंदर आग लग गई तो सोते सोते ही काम लग जाएगा। तो चलो सीधा ओपन करके देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो भाई मेरे को सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी आपको दिखाने के लिए इसके अंदर क्या है। तो इस बात के लिए भाई एक लाइक तो बनता है, फटाक से वीडियो को अभी लाइक करो और ये उम्मीद है कोई वायर ना काट दूं मैं इसका। और ये मैंने इसको काट किया यहाँ पे, तो इसकी एक लेयर ओपन करने के बाद भी हमें अभी कुछ नहीं मिला अंदर, आप लोग देख लो अंदर जाके ही, ये अंदर भी कुछ ऐसी वाइट कलर की लेयर है, इसमें ये सिलाई करी गई है पूरे के पूरे कंबल के लंबाई में। एक और कट मारना पड़ेगा मुझे लगता है, ये होगा इसका तीसरा कट,
तो मैं अभी भी इसका हीटिंग वायर नहीं ढूंढ पाया हूँ कहाँ पे छिपा है। तो एक कट और मारता हूँ मैं यहाँ पे। ओ फाइनली ये देखो मिल गया, ये रहा इसका हीटिंग वायर जो कि पूरे कंबल में फैला हुआ है और यही वायर ही गर्म हो रहा है, मेरे को साफ साफ फील हो रहा है। और अगर हम लोग सिर्फ इस वायर का तापमान चेक करें तो साफ साफ हमें करीब 42, 47, 48, 50 तो 50 डिग्री सेल्सियस है इस वायर का तापमान जहाँ पे गर्म हो रहा है। तो काफी ज्यादा कट मारने के बाद हमें इसके अंदर का राज दिख ही गया और ये कंबल कैसे गर्म होता है हमें मालूम चल ही गया, क्योंकि इसके अंदर एक इतना पतला सा हीटिंग वायर, हीटिंग एलिमेंट पूरे कंबल में फैला हुआ है। तो भाई मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कंबल काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कोई भी काम का नहीं हो सकता है। जैसा भी मैंने आपको दिखा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दबा देना।